नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज मैं आप लोगों को माता लक्ष्मी के बारे में बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि हम सब बिना श्री के, यानी कि बिना ऐश्वर्य के, बिना संपदा के व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि जिसके पास श्री नहीं है, उस और जो श्रीहीन है, उसका जीवन, मनुष्य का जीवन नहीं रह जाता। श्री यानी माता लक्ष्मी, श्री यानी ऐश्वर्य, श्री यानी संपदा। और आज के हालात में यदि हम देखें तो आज लॉकडाउन के बाद आप देखिए, जो श्रीहीन हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं है, खाने को भी नहीं है, वो कहाँ कहाँ ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। और जो श्री से युक्त है, वो ऐसे समय में भी रिलायंस ग्रुप लाखों रुपए का निवेश वहाँ आ गया है। सब कुछ फर्क ये श्री कर रहा है, ये संपदा कर रहा है, ये ऐश्वर्य कर रहा है। और भारत के सनातन शास्त्रों में श्री को बहुत महत्व दिया गया है, माना गया है। लेकिन वामपंथी नरेशन में अंग्रेजों ने अब हमें लूटा इसलिए, और आज़ादी के बाद हम यदि संपत्तिवान बन गए तो अपने उस मूल तत्व को पालेंगे जिससे भारत कभी सोने की चिड़िया रहा, तो फिर कोई हम पर शासन कैसे कर पाएगा। इसीलिए आराम हराम है का नारा दिया। याद रखिए, दुनिया की जो सारी आविष्कार है, इसलिए जिस भी संस्कृति ने श्रम को बहुत महत्व दिया, वो संस्कृति विकसित नहीं हुई। श्रम श्रम करते हुए सोवियत संघ बहुत जल्दी कम्युनिज्म 17 में आया और 91 में खत्म हो गया। और हमने, हमारी संस्कृति ने बड़ा संतुलन रखा था, ज्ञान का, वीरता का, संपत्ति का, सेवा का, सबका संतुलन रखा था। एक इतनी समृद्ध संस्कृति थी। और पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो अर्थ को प्रधानता दी थी, क्योंकि अर्थ से समाज का पहिया चलता है। यदि अर्थ नहीं है आपके पास, सोचकर देखिए, तो आप यहाँ से 1000 किलोमीटर की यात्रा भी करने में असमर्थ है, दो वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और जिसके पास अर्थ है, उसके उसके पास सारा ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य है, लोग उसके पीछे हैं। तो माता लक्ष्मी क्यों सबको, कुछ को मिलती है और कुछ को नहीं मिलती है, ये विचार भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मिणी जी को आया। और भगवान श्री कृष्ण के सामने ही रुक्मिणी जी ने एक बार पूछा कि आप आखिर किन गुणों वाले लोगों में, पुरुषों में, स्त्रियों में निवास करती हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो दरिद्र रह जाते हैं और कुछ लोग ऐश्वर्यशाली होते हैं? भारत और पश्चिम में अगर आप अंतर देखिए, तो भारत के जितने भी हमारे भगवान हैं, वो ऐश्वर्यशाली हैं। राम हो, कृष्ण हो, राज परिवार में जन्म हुआ है, बुद्ध हो, और पश्चिम का जो मजहब है, रिलीजन है, वो दरिद्रता से भरा है। इसीलिए उनके विचारों में दरिद्रता है, और वो दूसरों को लूटने और खत्म करने में उनका सारा विचार लगा रहा, क्योंकि वो दरिद्रता से उपजा। उनके जो मसीहा थे, पैगंबर थे, वो दरिद्र थे। और मैं जो हूँ वही आपको दे सकता हूँ। दरिद्र दरिद्र विचार ही देगा, दरिद्र दरिद्रता का ही विस्तार करेगा, और ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्य का ही विस्तार करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो भगवान हैं, उन्होंने भी राज परिवार में जन्म लिया, क्योंकि वो उस मानव को, उस ऐश्वर्य का, कि वो त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन
उस ऐश्वर्य का होना जरूरी है, ऐश्वर्य की यात्रा भी होनी चाहिए, तब आप एक संपूर्ण मानव हो सकते हैं। और इसीलिए सनातन के जो ऋषि हैं, सनातन की गौएं, सनातन के राजा सब धन संपदा से युक्त हैं। कामधेनु गाय, गाय की भी कल्पना की गई जो सर्व संपदा से युक्त हो। और इसीलिए भारत में कहते हैं घी की नदियां बहती थी, मंदिर सोने से भरे रहते थे, और कहते क्या हैं विदेशी आक्रांताओं, वो जो दरिद्रता से उपजी हुई संस्कृति थी उसने हमें लूटने के लिए चढ़ाई किया, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान और दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं था। उनके जो विचारक थे वो भी दरिद्रता में ही जीवन यापन करने के योग्य थे, इसलिए उनके लिए स्त्रियां संपत्ति हो गई, उनके लिए लूट संपत्ति हो गया, और वो पूरी संस्कृति लूट आधारित रही। हमने किसी को नहीं लूटा, हमने आक्रमण नहीं किए, क्योंकि हम स्वयं की संपदा का विकास करने वाली संस्कृति रहे। ये बहुत बड़ा अंतर है, और इसीलिए जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने देखा, और उससे पहले जो मुगल तुर्क आए उन्होंने भी देखा कि ये जो संस्कृति है उसमें वैभव उत्पन्न करने की स्वयं ही क्षमता है। ब्रिटिशर्स ने तो जानबूझकर अकाल पैदा किया, बंगाल में सब जो है बिहार में बड़े पैमाने पर अकाल पैदा किया। तो आपको ये सिर्फ इतना मैं कह रहा हूँ कि एक माइंड जो माइंड ऑफ आपका उस तरह से धकेल दिया गया है कि धन के प्रति वो उस चीज़ को त्यागिए। इसीलिए मैं आज ये लेकर आया हूँ, और इस लॉकडाउन में इसलिए लेकर आया हूँ कि आज आप देखिए कि जिनके पास नहीं है संपदा उनकी मौत भी बस एक गिनती बनकर रह जाती है, बस एक गिनती। और जिनके पास संपदा है उनकी भी मौत इस लॉकडाउन में हुई। ऋषि कपूर थे, इरफान खान थे, उनकी चर्चा सब जगह हुई, और मजदूर कोई पूछता भी नहीं। इसलिए कहा गया है गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है, और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अब मैं उस कथा पर आता हूँ। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी जी और माता लक्ष्मी बैठी हैं। ये कहानी कहाँ आती है? ये कहानी आती है महाभारत में। महाभारत में युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से, शांति पर्व में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, हे पितामह आखिर माता लक्ष्मी एक राजा हैं, लक्ष्मी होना जरूरी है, वैभव और संपदा नहीं होगी तो वो कैसा राजा, वो तो दरिद्र हो जाएगा। तो हे पितामह लक्ष्मी किन गुणों से युक्त स्त्री और पुरुषों में नित्य निवास करती है मुझे बताइए। तब पितामह कहते हैं कि कहानी सुनो। यही विचार यही भावना वासुदेव की पत्नी रुक्मिणी में भी आई कि आखिर आप किन गुणों से युक्त पुरुषों और स्त्रियों में निवास करती हैं। माता लक्ष्मी कहती है, माता लक्ष्मी जो कहती हैं एक आखिरी श्लोक है उसको मैं सबसे पहले कह देता हूँ कि मैं सशरीर कहीं भी निवास नहीं कर सकती, मेरे लिए ये संभव नहीं है। नाहम शरीरेन वसामि देवी नैवम मया शक्य मिहाभि धातुम भावेन यस्मिन निवसामि पुंसि स वर्धते धर्म यशो धर्म कामय। तो मैं शरीर के साथ सबके घर में तो निवास नहीं कर सकती, लेकिन जिनकी भावना में मैं हूँ मैं वहाँ हूँ। लेकिन हमें तो दरिद्र बनाया गया, तो धन के बारे में सोचने में भी शर्म और संकोच आता है। नहीं नहीं किसी को कुछ नहीं 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 संपत्ति धन नहीं ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी ये भी कहती है कि जो नहीं नहीं कहता है मैं उसके पास कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। तो वो कहती हैं कि हे देवी मैं शरीर से निवास नहीं करती हूँ, और शरीर से सर्वत्र निवास करना मेरे लिए तो संभव भी नहीं है। जिस पुरुष में मैं भावना के द्वारा निवास करती हूँ वह धर्म यश धन और कामना से संपन्न होकर सदा बढ़ता रहता है। अपने नाम अपने पिता दादा के नाम के आप जो पहले ये श्री लगाते हैं, श्री यानी वैभव, श्री यानी लक्ष्मी,
तो आगे कहते हैं वो, ये मैं आखिरी श्लोक आपको कहा कि आप कहाँ रहती हैं हे देवी, आप कहाँ रहती हैं? तो वो कहती हैं माता, वसामि नित्यम शुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्माणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेंद्रिय नित्य मुदीर्ण सत्वे। वो कह रही हैं कि हे देवी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष में निवास करती हूँ। और वो क्या कह रही हैं, वो भावना, जिस पुरुष के अंदर ये भावना हो, ये नहीं कि माता लक्ष्मी आपको प्रकट होकर, आपके अंदर स्वयं की उस भावना से आप माता लक्ष्मी तक पहुंचना कितना चाहते हैं। तो वो कह रही कि ऐसे पुरुषों में मैं निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली है, जो निर्भीक है, कायर नहीं है, जो सौभाग्यशाली है, जो कार्य कुशल है, जो कर्म को प्रमुखता देता है, कार्य कुशल है, अपने कार्य में वो कुशल है, अधूरे मन से कोई कार्य नहीं करता, जिस कार्य को वो ठानता है उसे कुशलता पूर्वक पूरा करने का वो संकल्प लेता है, उसे पूरा करता है, जो कार्य कुशल है, जो कर्म परायण है, जिसने कर्म को अपने जीवन का जो है एक ध्येय बनाया हो कि वो कर्म परायण, वो कर्म से नहीं भागेगा, वो कर्म करेगा, यानी कर्मठ है, जो क्रोध रहित है, क्रोध में बड़े बड़े विनाश हो जाते हैं, जो क्रोध रहित है, बड़े बड़े बिजनेस के फैसले ढह जाते हैं एक क्रोध में, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कॉफी डे का जो मालिक, सुसाइड कर लिया उसने, जीवन उसके बाद क्या हुआ, अब वो उस सुसाइड का क्या परिणाम है, कुछ नहीं, उसका तो जीवन समाप्त। तो जो क्रोध रहित है, क्रोध, क्षोभ, खिन्नता, ये सब जो है, और जो देव आराधन में तत्पर है, यानी जो अपने कर्म को परमात्मा को सौंप कर आगे बढ़ता है, देवता की आराधना में, यानी देवता को सौंप कर अपने कर्म को आगे बढ़ता है, जो कृतज्ञ है, जो ईश्वर के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, जिससे उसे सहायता मिली उसके प्रति जो कृतज्ञ है, कृतज्ञता से भरा हुआ है, जो जितेंद्रिय है और जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है, नहीं तो बड़े बड़े धन कमाने वाले नाच पे वेश्याओं पे लुटाने के लिए बड़ी बड़ी कहानियां आपने सुनी है, राज्य के राज्य लुटा देते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वस में नहीं है, नहीं है। और जो सत्व गुण से युक्त है, सत्व रज तमस जो है सत्व गुण से युद्ध है युक्त है, यानी साधुता है जिसके अंदर, सत्व गुण है जिसके अंदर, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ, ऐसी भावनाओं वाले पुरुषों में मैं निवास करती हूँ। फिर वो कहते हैं जो मनुष्य अकर्मण्य है, कर्म नहीं करना चाहता, चीज़ों को टालना चाहता है, दूसरों पे दोषारोपण करता रहता है, जो नास्तिक है, जिसे किसी चीज़ में आस्था नहीं, नास्तिक मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, अगर आप नास्तिक हैं तो आपको तो अपनी पत्नी में भी आस्था नहीं होगी, आप चोरी छुप के उनके व्हाट्सएप चेक करते रहेंगे क्योंकि आपको उनमें आस्था ही नहीं है, विश्वास नहीं है। नास्तिक मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ईश्वर को मानना ना मानना, ये आपको कम्युनिस्ट थ्योरी है, नास्तिक मतलब है कि आस्था होना ही नहीं किसी भी चीज़ में, रिश्तों में भी आस्था ना हो, जो नास्तिक है, जो कृतज्ञ है, जो लोगों के कृतज्ञता को नहीं मानता, कृतज्ञ है, धोखा देने में हमेशा आगे रहता है, किसी ने अगर जल पिला दिया तो कहा तो उसका कर्म ही है, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता, किसी ने बिजनेस आपको दे दिया तो आप कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, तो आप कृतज्ञ हैं, तो कृतज्ञों में के पास मैं नहीं रहती। जो क्रूर है, क्रूरता में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। जो चोर है, जो गुरुद्वेषी है, उनके भीतर मैं निवास नहीं करती, जो गुरु का अपमान करता है, जो चोरी करता है। फिर वो कहती हैं, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि जिनमें तेज बल सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, यानी जो बस घिसट घिसट कर जी रहे हैं, बल भी नहीं है, सत्व गुण भी नहीं है, गौरव भी नहीं कि क्या है क्या करेंगे,
तेज भी नहीं है उसके अंदर, क्या करेंगे। यानी जो घिसट के मृत्यु के इंतजार में जी रहा है वहां में निवास नहीं करती, और जो हर बात में खिन्न हो जाता है, बात बात में खिन्न होता है, उसके अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वहां में निवास नहीं करती। जो व्यक्ति मन में भाव तो कुछ और रखता है और बाहर प्रदर्शित कुछ और करता है, मैं वहां तो बिल्कुल भी निवास नहीं करती। यानी जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, वो अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, वहां तो मैं ठहर ही नहीं सकती, वहां तो रहती भी नहीं मैं, माता लक्ष्मी कहती है। और वो कहते हैं एक ये लाइन बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको बेवर से लेकर पूरे पश्चिम ने हिंदू समाज पे बड़ा थोपा है। और आज भी आप कई बार आप देखते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि आपके अंदर चाह होनी चाहिए आगे बढ़ने की। हम सब के अंदर क्या है कि एक संतोष में हम ठिठक जाते हैं, हो गया इतना ठीक है। ऐसे लोगों के जीवन में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती हैं यश्च मणि पर्थयेत् न किंचित्, यश्च स्वभाव हन्तात्रात्मा नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्। वो कहती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं अपने लिए नहीं चाहता, आपको तो बड़ा लगता होगा कितना ये विनम्र है। तो जो अपने लिए कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, ये है ना पूरे, आपको मैंने कई बार बताया कि स्वार्थ यानी अपने लिए अर्थपूर्ण होना, जो ये क्रिश्चियनिटी और इस तरह के विचार हैं, मैं नहीं डोनेशन, मैं तो चाहता हूँ गरीबों का कल्याण करूं, मैं ये करूं, और उस पैसे को मार लेते हैं। जो कहते हैं मेरे लिए तो अपना कुछ नहीं, मैं दो टुकड़े में, दूसरी तरफ से मोड़ दिया गया कि अवसाली कैसे हुआ। परम संतोषी थे तो अश्वमेध यज्ञ की अवधारणा क्यों थी, राजसु यज्ञ की अवधारणा क्यों थी, परम संतोषी हम अपने राज में ही रह लें, ये अवधारणा थी क्यों, किस लिए थी। व्यापार इस समाज का एक बड़ा धर्म था, सिल्क रूट था, ये अवधारणा क्यों थी, हम अपने लिए तो जी लिए घर बना लिए, ये क्यों था कि समाज का भी उससे विस्तार हो, ये किस लिए था। उस पूरे मूल तत्व को ब्रिटिशर्स और मार्क्सवादियों ने खुरच दिया। माता लक्ष्मी कह रही है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता वहां तो मैं रहती भी नहीं, ये आपको नई बात लगेगी, लेकिन यही हमारे शास्त्र में, तभी हम इतने वैभवशाली थे। वो कह रही है जिसका अंतःकरण मूढ़ता से ग्रसित है, मूढ़ता और मूर्खता दोनों में अंतर है। मूर्खता तो अज्ञानी है और भगवान उससे रुष्ट नहीं होते, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की यात्रा हो सकती है। पर मूढ़ शब्द अलग है, मूढ़ का मतलब है जो वास्तव में है तो अज्ञानी लेकिन ज्ञान अपना प्रदर्शित करता रहता है, ये मूढ़ता है। और ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान की यात्रा पे जा ही नहीं पाता, वो तो कहता है मैं सर्व जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। आज नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम है। तो फिर भगवान और कहते हैं जो थोड़े, माता कहती जो थोड़े में संतोष कर लेता है वहां तो मैं ठहरती भी नहीं। तो लक्ष्मी कैसे आ सकती है। अब अभी उदाहरण लें, देखा कि सिक्स, मान लिया मैं मोटा आंकड़ा देता हूं, याद नहीं है कि मान लिया $6 trillion की पूरी इकोनॉमी जो है, जो ऑयल की इकोनॉमी है, पर मान लिया $10 trillion जो है डॉलर की डाटा की इकोनॉमी है। आप देखिए तो वो नायलॉन में गए, सिल्क उसमें कपड़ों में गए, यहाँ देखा कि अब इससे ज़्यादा तेल रिफाइनरी का विकास है तो वहाँ मूव कर दिया, और अब देख रहे हैं कि तेल का इकोनॉमी 30-35-35 के बाद ढाने वाली है, पूरा अरब फिर से ऊँट पर सवार होने वाला है, तो डाटा की तरफ मूव किया, बोला डाटा जो है आज का ऑयल है। एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन का उदाहरण है। तो वो कहते हैं जो थोड़े में ही संतोष कर लेता है ऐसे यहां तो मैं ठहरती भी नहीं। यानी आप जब तक गतिमान अपने धन को, और अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि यदि आपने संपत्ति कमाई उसको रख दिया तो डेड मनी कहा जाता है, यदि संपत्ति से संपत्ति नहीं कमा सकते तो वो डेड मनी है। लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती और वो आपके लिए भी डेड मनी है,
संपत्ति यदि संपत्ति पैदा नहीं कर सकता तो अर्थव्यवस्था का टर्म्स है डेड मनी है। वही लक्ष्मी कह रही है कि जो संतोष थोड़े से में संतोष कर लेता है, मैं उसके यहाँ कैसे ठहर सकती हूँ, मैं उसके यहाँ कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि तो वो अपनी यात्रा समाप्त कर चुका है। वो श्री होने की, वो समर्थवान होने की, वो संपत्तिवान होने की अपनी यात्रा समाप्त कर चुका है, वो थोड़े में संतोष कर चुका है, उसके यहाँ ठहरने का कोई सवाल नहीं है। वो कह रही है ऐसे मनुष्य में मैं निवास नहीं करती। उसके बाद आया कि स्त्रियां कौन हैं जिनमें आप निवास करती है, हे देवी ये पुरुषों का गुण तो आपने बताया मुझे, लेकिन वो स्त्रियां कौन हैं जिनमें आप निवास करती हैं? तो कहती हैं जो स्वभाव से स्वधर्म परायण हो, वो ऐसी स्त्री जो धर्म परायण हो, जो धर्म को जानती हो, धर्म को मानती हो, धर्म के जीवन को जीती हो, धारण करती हो, जो धर्मज्ञ वृद्धों की सेवा में तत्पर रहती हो सदा। और आजकल तो वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं, और मैं महाभारत से लेकर हम सब में पढ़ गया हूं कि वृद्धों, एक जगह आता है भीष्म पितामह से पूछते हैं युधिष्ठिर कि जो अपने वृद्धों की सेवा नहीं करते, माँ बाप की नहीं करते, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वो आगे, वो ये उनका आखिरी मानव जीवन है, इसके बाद उनके लिए मानव जीवन ही नहीं है। वो कीट पतंगों में, और बहुत बहुत पुण्य किया हो तो वृक्ष में उनका जन्म हो जाएगा, उसके आगे उनकी यात्रा नहीं है। और ये हर शास्त्र में आता है। तो जो वृद्धों की सेवा करती हूँ, जो सरलता से युक्त हो, कुटिलता ना हो, स्त्री में सरलता, सरल स्वभाव, सरल यानी धारण करने का, स्त्री तो गर्भ होती है, सरलता का स्वभाव, समर्पण का स्वभाव जिसके अंदर, वो कहती हैं आदर सत्कार करने वाली हो, जो अतिथियों का आदर सत्कार करती हो, विद्वानों का आदर सत्कार करने वाली हो, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाली हो, ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म को जानते हो, जो विद्वान हो, जो समाज के प्रबुद्ध जन को का सत्कार करने वाली हो, मैं वहाँ ठहरती हूँ। कितनी वामपंथी महिलाओं के शकल अभी याद कीजिए, चेहरे में कितने श्मशान का विराज जैसे विराज हो, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि वो श्मशान से अभी अभी लौट आई हो, कब्रिस्तान उनके चेहरे पर झलकता है, जरा चेहरा ध्यान से देख लीजिए, कब्रिस्तान झलकता है उनके, क्योंकि उनके अंदर वो स्त्री है ही नहीं। और इधर उधर से चोरी चकारी करके धन कमाना वो नहीं है, लक्ष्मी वहाँ निवास नहीं करती, तब आपको लगेगा। फिर वो एक और चीज़ कहती है, बड़ा सुंदर बात कहा है, आज की महिलाओं पे, आज के घर पे लागू होता है, आज बड़ा डिस्टर्ब दे रहा है। तो जिनके घर में बर्तन इधर उधर बिखरे हों वहाँ मैं बिल्कुल नहीं ठहरती, जो सोच समझ कर कार्य नहीं करती और सदा अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है, पति से प्रतिकूल बोलती है, यानी घर में कलह का वातावरण, तर्क वितर्क चलता हो, घर में सामंजस्य नहीं हो, समर्पण नहीं हो, प्रेम नहीं हो, वो भावना नहीं हो, घर भी एक ऑफिस बना हुआ हो, कलह चलता हो, अरे तुम क्या, तुम 60,000 कमाते हो, 8 घंटा काम करते हो, मैं 12 घंटे काम करके आती हूँ, 1,00,000 कमाती हूँ, ये जो कलह का वातावरण है उसमें मैं नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी कहती है जो दूसरों के घरों में घूमने फिरने इसमें ज़्यादा समय जाया करती हैं, वो कहती हैं यानी जो अपनी यात्रा छोड़कर यहाँ वहाँ यानी चुगली करने, उसकी बात उस तक पहुँचाने इस समय लग रहती है, लज्जा का सर्वथा त्याग की हुई रहती है या वहाँ भटकती है, उन स्त्रियों को मैं हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ, ये माता लक्ष्मी कहती हैं कि जो स्त्री निर्दयतापूर्वक पापाचार में तत्पर रहने वाली, अपवित्र, चटोरी, धैर्यहीन, कलह प्रिय, नींद में बेसुध होकर पड़ी रहने वाली से स्त्री से तो मैं दूर ही रहती हूँ। चटोरी यानी आपको आपके इंद्रियों पर नियंत्रण है, यानी जिह्वा पर आपका नियंत्रण नहीं है, और बड़े बड़े लोग अपने जिह्वा दोष के कारण संपत्तियां बेचते चले जाते हैं, सिर्फ अपने जिह्वा दोष के कारण, खान पान के कारण, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कला प्रिय, जिसके घर में कला ही कला हो वहाँ लक्ष्मी का वास कैसे होगा, जो इधर उधर बर्तन फेंके हुए, उनके कपड़े फेंके हुए, अस्त व्यस्त जो घर है, माता कहाँ कहाँ से कैसे विराजमान होगी, वो कहती हैं। और फिर कहती हैं जिनमें धैर्य नहीं है, कल्पिक एक पर तो कहानी सुनाया था आपको,
कि निर्णय लेने में धैर्य होना चाहिए, सब तरह से विचार करना चाहिए, हर पहलू पर देख लेना चाहिए, तब निर्णय लीजिए, तब आपकी यात्रा सफल है। शास्त्र यही कहते हैं, तत्काल निर्णय ले लीजिए, वो आपको कई बार आपके अपयश का कारण बन जाता है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि एक बड़ी बात अच्छी कही वामपंथियों ने, कहा महिलाओं को जो सस्ती संवरती है, आभूषण धारण करती है, इसलिए आभूषण आप देखते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा में लोग जाते हैं खरीदने, धनतेरस होता है, सब होता है, तो वो कहती हैं जो सौम्य रहती हैं, सौम्य वेशभूषा में आभूषण धारण करती है, उनके पास में जरूर ठहरती हूँ। लेकिन आपको वामपंथी कहेंगे कि ये तो बुर्जुआ है, आपको आपके श्रृंगार से वो दूर करते हैं, माता श्रृंगार में रहती है, और वो आपको उस समानता के धरातल दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने ही जब समानता नहीं रखी है, वो आपको एक दूसरे जेएनयू की एक कहानी, एक मैंने आपको कई बार बताई है, एक बड़ी सुंदर लड़की जयपुर से आई थी और वामपंथियों के चंगुल में फंस गई, पहले उसके पर कुतरे गए कि ये बड़े बाल, बड़े सुंदर बाल थे उसके, ये जो बाल है वो बुर्जुआ की निशानी है, तो उसके पर कतरे गए पहले, फिर उसके सारे श्रृंगार छीने गए, फिर उसके बाद तो ये भी कहा गया उसको कि एक पुरुष के साथ रहना बुर्जुआ की निशानी, ब्राह्मणवाद है, विवाह जैसी संस्था। उसके बाद और एक महिला जो वामपंथी है, बहुत बड़ी, नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, उसका पति का काम उस तरह की महिलाओं का, लड़कियों को होटल में, वहाँ के होटलों में सप्लाई करने का, इस तरह से तो किस रास्ते धकेलने वाली, तो ये वामपंथी है। तो अपनी जो संस्कृति है उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। माता ये कह रही हैं, और वो कहती हैं अंत में एक और बात कहती हैं, पशुओं के लिए ये बोलती हैं कि मैं मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी यानी आनंद में डूबा हुआ, जिसमें आनंद नहीं, गज की तरह गमन कर रहा हो, जो आनंद में डूबा हो, विभोर हो। और हाथी बुद्धि का भी प्रतीक है, उसका जो सर है गणेश जी में, तो बुद्धि के साथ, आनंद के साथ जो वास करता हो। सांड बोलती हैं, सांड यानी उस समय कृषि की प्रधानता, कृषि में माता लक्ष्मी रहती है, तो सांड को लोग काटे नहीं, गौ सांड, ताकि कृषि बढ़ता रहे, तो कहती है मैं मदमस्त हाथी, सांड सिंहासन, वो कोई भी राजा लंपट भी बन जाए पर उस सिंहासन में मैं वास करती हूँ, और सत्पुरुषों में मैं सदा वास करती हूँ, मैं जिनके घर में हमेशा अग्निहोत्र जो है, जो करते हैं, उनके यहाँ निश्चित तौर पर वास करती हूँ। और फिर वो चारों वर्णों को लेकर कहती हैं, सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण, स्वधर्म परायण क्षत्रिय, कृषि कर्म में लगे हुए वैश्य, और सेवा कर्म में रहने वाले शूद्रों के यहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। यहाँ उस जाति व्यवस्था की बात नहीं है, यहाँ कर्म की बात है कि आपको जो कर्म दिया गया है उस कर्म में अगर तत्पर हैं तो आपके पास माता लक्ष्मी रहेंगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है इस पूरे जो विमर्श, आज का जो बोध कथा है, उसमें दो चीज़ हैं। पहला कि अपने आचरण में सनातन लाइए, अपने आचरण में सनातन लाइए, यदि सचमुच आप वैभव की यात्रा करना चाहते हैं, श्रीहीन नहीं होना चाहते। श्रीहीन तो भगवान विष्णु जब श्रीहीन हो गए तो वो भी, उनके मुकुट छिन गए, सब हो गए, तो आप श्रीहीन नहीं होना चाहते तो अपने आचरण में सनातन लाइए। यदि श्रीहीन नहीं होना चाहते तो अपने लिए भी जिए, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता वहां नहीं रहती, तो अपनी यात्रा कीजिए, ये सनातन यात्रा है, आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा ये बात। वो हमेशा कहेंगे इसको दान दो, उसको दान दो, वो क्रिश्चियनिटी की माइंड में जीते हैं सारे, अपनी यात्रा जरूरी है। और तीसरा कि एक लक्ष्य पूरा करने के बाद ठहर मत जाइए, दूसरे लक्ष्य की तरफ चल दीजिए। एक किताब मैंने लिख दिया, नाम हो गया, और मैं ठहर जाऊं तो मेरी यात्रा तो समाप्त है। मैं एक उदाहरण दिया अपने छोटे से, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो आपकी यात्रा निरंतर होती रहनी चाहिए, थोड़े से आपको संतोष नहीं होना चाहिए। अगर गागर है उसमें थोड़ा सा जल रखेंगे तो वो गागर की जो मिट्टी है इस तपती हुई गर्मी में उसको सोख लेगी, वो पानी ख़त्म हो जाएगा जब तक कि गागर भरा ना हो। इसलिए आपके अंदर का गागर भी लबलबाता रहना चाहिए, आपके कर्म से, आपके आपके विचारों से, आपके आचरण से, तब माता लक्ष्मी का निवास होगा। और वो कहती हैं कि मैं शरीर के साथ कहीं निवास नहीं करती, मैं तो भावना में निवास करती हूँ। और जो धर्म, यश, धन और कामना, कामना बुरा नहीं है, काम
बुरा नहीं है, पर काम सात्विक हो, कामनाएं सात्विक हो, वहां मैं जरूर रहती हूँ। ये माता लक्ष्मी कहती हैं। कम से कम आप सबसे, जो भी मेरे मित्र हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, आप सबसे अनुरोध है कि ये वामपंथी नरसम को तोड़ दीजिए। वो आपको सदा से गरीब बनाए रखने के लिए वामपंथियों ने, ब्रिटिशर्स ने, पहले तो मुगलों ने हमसे, हमारे जनेऊ तोलते रहे, मारते रहे, हमसे जजिया लेते रहे, फिर ब्रिटिशर्स ने, फिर मार्क्सवादियों ने, और फिर नेहरूवादियों ने हम सबको गरीबी में रखा ताकि उनका सिंहासन सुरक्षित रहे। और सिंहासन में माता लक्ष्मी विराजती हैं, उन्होंने कहा, इसलिए वो राजा बन के रहे। और हमें कहा, हराम हराम नहीं है हमारे चाचा ने, ताकि तुम जीवन भर श्रमिक रहो, खटते रहो, ताकि हमारे वंश पलते रहे। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं देखता हूँ इसको। कोई बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज नहीं है। भरत सिंह जी कह रहे हैं, सर ये सही है तो फिर गांधी परिवार के पास लक्ष्मी कैसे हैं? गांधी परिवार के पास जो लक्ष्मी है वो उसका भोग भी नहीं कर सकती, बीमारी का इलाज के बहाने उनको वो छुपाना पड़ता है, बीमारी के इलाज के बहाने। उस गांधी परिवार के दो दो लोग आतंक की बलि चढ़ गए हैं। जो नेहरू थे, वो नेहरू जो थे वो यही कहते रहे, उनको उनकी जो सारी संपत्ति थी बाप ने बना कर दी। और सरदार पटेल जब कांग्रेस के सारे कोषाध्यक्ष बने, पूरा सारा वही मैनेज करते थे, उनकी क्या मृत्यु हुई आप देखिए, उसमें क्या बोलते हैं, टॉयलेट में गिरकर उनकी मृत्यु हुई। और आज अपनी संपत्ति होते हुए भी उपभोग नहीं कर पाते प्रियंका और राहुल खुलकर, इस बात को ध्यान दीजिए आप। आज कई लोगों के पास संपत्ति है इस लॉकडाउन में, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। वो संपत्ति किस काम की है? बीमारी का भी बहाना करके देश छोड़ना पड़ता है। वो जिंदगी जी पाएंगे आप? वो छुपाना पड़ता है, वो जो डकैती डालनी पड़ती है, वो जी पाएंगे आप? वो संपत्ति का उपभोग है क्या? संपत्ति यानी वैभव, ये तो दरिद्रता का प्रदर्शन करते हैं। जूता पहन के कूदता है, पैजामा पहन के कूदता है, मानसिक रूप से दरिद्रता का प्रदर्शन करता है। धन के लिए कभी प्रदर्शन नहीं कर पाता, छुप छुप के जाता है विदेश टोपी लगाकर, बीमारी के बहाने से। कर पाएंगे क्या आप? और जहाँ तक जो है सत्य साईं के बारे में बता रहे हैं, मैं किसी भी, क्योंकि बहुत सारे हिंदू की आस्थाएं जुड़ी होती है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। उस पर हिंदुओं को मैं बांटने के बिल्कुल ही विरुद्ध जो है विरोध में हूँ किसी भी तरीके से, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। अमरीश जी धन्यवाद। नीलम मगर जी धन्यवाद। तो पवन कुमार जी कह रहे हैं, संदीप जी अग्निहोत्र के विषय पर भी कुछ शेयर करें। मैं खुद पिछले 25 वर्षों से निरंतर दोनों समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त अग्निहोत्र का आचरण करता आया हूं। मेरे पास काफ़ी जानकारी एवं अनुभव, बहुत ही धन्यवाद। तो ज़रूर उसको विस्तृत कीजिए। आईपी भी माता लक्ष्मी ने भी कहा है कि अग्निहोत्र के बारे में, तो धर्म कर्म जो है जो लोग करते हैं वो बोला ही है उन्होंने। जब इस पर स्पेशल कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। व्यास जी धन्यवाद। हाँ, और आज अच्छा याद दिलाया उन्होंने, आज वीर सावरकर जी की जयंती है। indiaspeaksdaily.com पर एक लेख है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सावरकर जी की जयंती है आज, आप सबको उनकी शुभकामनाएं। तो शुभरात्रि, मैं इसको समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं कल इसी समय रात 8:30 बजे।
एक नई बोध कथा के साथ। कल दोपहर का 3:30 बजे का मैं आ पाऊंगा या नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कल मेरे बेटे का की परीक्षा है और वो सिस्टम पे काम करता रहेगा तो मुझे दिक्कत होगी। आना होगा तो मैं 1:30 बजे आऊँगा दोपहर के लाइव में, नहीं तो फिर 5-6 बजे, नहीं तो नहीं। तो मैं देखता हूँ कल मुद्दों के हिसाब से, कल 3:30 बजे आप लोग जो है प्रतीक्षा मत कीजिएगा। आना होगा तो 1:30 बजे आ जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं रात में सीधे बोधकथा में ही आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा मुद्दा कुछ हुआ तो फिर मैं आ जाऊँगा, कोई बड़ी बात हुई तो। धन्यवाद।